को डिमालिश की थी, पूरी तो डिमालिश नहीं है, 20-25% उन्होंने डैमेज किया था। जितनी सी उन्होंने वायलेशन की थी उतना सारा एडमिनिस्ट्रेशन ने और म्युनिसिपल काउंसिल ने ये जो डिमालिश की थी, लेकिन जिस दिन ये बिल्डिंग डिमालिश हुई उसी के एक दिन पहले म्युनिसिपल काउंसिल विद प्रेसिडेंट और विद काउंसलर सब ने एक रेजुलेशन पास किया था, एक तो खास करके ये वाली बिल्डिंग और ओल्ड सिटी के अंदर वार्ड 1 से लेकर 10 वार्ड तक, जैसे जम्मू पैटर्न के अंदर होता है कि ओल्ड सिटी के अंदर जिस पोजीशन में गलियां बिल्डिंगें हैं उस पोजीशन में वो बननी चाहिए और उसको नक्शे भी पास होने चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने और ऐसा महसूस किया कि इतनी बड़ी गलती नहीं थी इसकी, नक्शे इसके फिर भी पास थे, दो नक्शे पास थे, लेकिन वो बाद में जब पता चला तो जब सारी जांच पड़ताल हुई, पब्लिक का प्रेशर पड़ा, डिप्टी कमिश्नर साहब और जो हमारे काउंसिल के जो सीईओ उन्होंने महसूस किया कि इतनी बड़ी गलती नहीं थी, तो आम पब्लिक जितनी थी, तमाम प्रोमिनेंट सिटीजन, तमाम पॉलिटिकल लोग, उन्होंने भी जब ये म्युनिसिपल काउंसिल है, ये शहर है, जिन लोगों का शहर है, जिन लोगों की काउंसिल है, जब सारी पब्लिक ही ये चाहती थी भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये चीज मानी। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने कहा कि जो उसका नुकसान होना था वो हो गया, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई आगे भी बनेगी, नक्शे उसका अगर कोई कमी होगी, म्युनिसिपल काउंसिल के पास एक प्रोविजन होता है, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास एक प्रोविजन होता है कि उसको जहां कंपाउंड करके फाइन भी किया जा सकता है, ना कि बिल्डिंग कराई जाती है, उस पैटर्न के ऊपर मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा है, तो हम उनका थैंक्स भी करते हैं। दोबारा पूरा शहर, कई टेलीफोन आए जम्मू से, दिल्ली से, कहीं से भी, इतनी बड़ी बिल्डिंग है क्या नरेश जी, आप ये समझ, अब जो कुछ होना था वो हो गया, अब बार बार करेंगे गलती, कोई बड़े जहां ऐसे खोटे सिक्के भी हैं, ऐसे लीडर भी हैं जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन जाए और शहर के अंदर और भी जो बिल्डिंग है उनका कंपाउंड करके, नक्शे पास करके उनसे फीस दी जाए, ताकि स्टोन की डेवलपमेंट, आपने सीईओ को बुलाने की मेरी गलती है, साथ में उनको अटैच भी कर दिया, वो मिला ही नहीं, उसकी इंक्वायरी बिठा दी है, जब वो काउंसिल के अंदर आएगा, अटैच किया कितनी देर अटैच किया, दोबारा नौकरी पे तो बाहर होना, तब पूछ लेंगे, इंक्वायरी कमेटी भी बैठ गई है, वे क्यों ऐसा किया गया, वो सारा उस कमेटी के अंदर आ जाएगा।